कंप्यूटर का चेक करता हूँ, यहाँ तो फुल है। अच्छा ओके, आवाज कम आ रही है अभी भी? सही आ रही है सर। सही ठीक आ रही है, ओके चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं धीरे धीरे। चलिए तो अब हम बारिश लोग काफी कम आ रही है। कुछ लोगों को कम आ रही है शायद, ये सबको कम आ रही है सर, नो सर, हमें ठीक आ रही है सर पहले ठीक तो आ रही है। ठीक आ रही है, ओके। तो बाकी लोग एक बार चेक करो नेटवर्क, दोबारा से कनेक्ट होके देखो, शायद गड़बड़ हो कुछ। ओके, हम लोग जो है इस समय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बनी है सर, सॉरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके अच्छा ठीक है, अभी कर देता हूँ आपसे शेयर। आई थिंक शेयर नहीं हो रखा, ओके चलिए। तो हम लोग अभी कनेक्ट, मैंने कोई लिखा नहीं है ऐसे कुछ, हम लोग अभी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने जो है अब तक जो है प्रेशर का रिलेशन पढ़ लिया, जो प्रेशर होता है उसका वेलोसिटी से रिलेशन क्या होता है, और सर आपने प्रेजेंट कर दी है स्क्रीन अभी? नहीं अभी नहीं नहीं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। अब हो गई भी देखो, यस सर। ओके तो मैं करता हूँ, हम लोग काइनेटिक थ्योरी गैसेस जो पढ़ रहे हैं अब तक, तो हमने पढ़ लिया है कि जो आपकी गैस है उसमें जो वेलोसिटीज वगैरह होती हैं उसका प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, वो हमने ड्राइव किया था, और उसके बेस पे हमने एनर्जी वगैरह देखी थी कि गैस की जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होती है। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन भी कर रहे थे कुछ इस पर बेस्ड, तो हमने सब देखा कि कितनी कितनी एनर्जी होती है हमारी, टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, और उस पर बेस हमने क्वेश्चन किए थे। अब जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का हमने रिलेशन निकाला है प्रेशर के साथ और डेंसिटी के साथ, उस पर बेस्ड उस पर जो है हम बाकी लॉ प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और बाकी सब जो लॉ हैं वो प्रूव हो सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो उनको हम लोग ट्राई करते हैं प्रूव करने का। आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ऑडियबल है साउंड? यस सर। अच्छा ओके ठीक है, तो अब हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं उससे बेस्ड ऑन द सर वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन का एक बार आंसर बता दीजिए। ये वाला, इसका आंसर तो ये था ना। यस सर। ओके तो हमने जो निकाला है, तो जो रिलेशन यूज निकाले हैं वो ये निकाले हैं, पी इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ये रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। और हमने ये लिखा है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की 1/2 mv² वो 3/2 kT होती है, और अगर आप 1 मोल के लिए बात करें तो 3/2 RT होती है, अगर हम 1 मोल की बात करें। तो ये हम निकाल चुके हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं वेलोसिटी हमारी जो आ रही है प्रोपोर्शन टू रूट टी आ रही है, या काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू रूट, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शन टू टी आ रही है 1 मॉलिक्यूल की। तो ये सब रिलेशन हम लोग देख चुके हैं। तो अब जो है हमें देखना है कि इसमें बॉयल्स लॉ वगैरह कैसे प्रूव होगा, तो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट प्रूव द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें पता है कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है आपका प्रेशर जो है प्रोपोर्शन टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर द सेम मास ऑफ द गैस, ये तो हमारा लॉ है, और गिवन मास ऑफ द गैस, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हमें प्रूव करना है, तो इसका यूज करके यहाँ प्रूव करना है ये कि ऐसा होता है। तो अगर हम देखें पी इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, अब यहाँ पे जो है ये वी आर एम एस जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे केवल, है ना,
अगर हम यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, अगर आपका मास गिवन मास है तो बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है आपका, तो वी आर एम एस जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, रूट ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हो आप, और रो जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यू कैन राइट 1/3 दिस इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम वी आर एम एस का स्क्वायर। वॉल्यूम को अगर मैं वहां ले जाऊं तो पी वी इक्वल टू जो मेरा आ रहा है 1/3 एम वी आर एम एस का स्क्वायर। तो फॉर गिवन मास ऑफ द गैस, फॉर गिवन मास ऑफ द गैस एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आपका ये वी आर एम एस तो टेम्परेचर का प्रोपोर्शन है, तो ये चीज क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपका वी आर एम एस ये है और मास गिवन है, फॉर गिवन मास ऑफ द गैस, तो ये चीज आपकी कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है आपका और ये कॉन्स्टेंट टी पे डिपेंड है केवल, तो ये चीज आपकी कॉन्स्टेंट होगी, जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे या गैस का मास चेंज नहीं करोगे कुछ, तब तक आपको ये चीज कॉन्स्टेंट रहेगी। तो हेंस वी प्रूव द बॉयल्स लॉ, ठीक है, क्लियर सबको, कोई डाउट इसमें? आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी कैसे हुआ? यहां से जो मैं लास्ट टाइम किया था, ये किया था ना 3/2 केटी आता ना हमारा काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से हमारा बी जो है प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ जाएगा ना। ओके सर, ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट माने ना हमने? हाँ हाँ, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट मानना पड़ता है। यस सर, ठीक है, चाल चलो करें हम। यस सर, सिंपल है बहुत ही सारा, चाल चलो अगर आप करना चाहोगे तो चाल चलो में आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, आप बोलते हो V proportional to T constant pressure पे, फिर दोबारा वो equation use करोगे P equal to 1/3 rho V square। सर, yes, जैसे कि हमने stress strain में किया था कि stress proportional to strain, मतलब ऐसे बोल सकते हैं और उल्टा नहीं बोल सकते, तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है ना, V directly proportional to T या T directly proportional to V दोनों बोल सकते हैं ना? हाँ दोनों बोल सकते हैं। okay, सर, यूजुअली आप अगर एक्सटर्नल उससे देखेंगे, उससे बाहर से अगर आप देखिए, तो जो कोई कंटेनर होता है उसको आप गर्म करते हो तो उसमें गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, तो यूजुअली हम बोलते हैं वॉल्यूम विल इंक्रीज विद टेम्परेचर और डिक्रीज विद टेम्परेचर, है ना, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलते हैं यूजुअली। ओके सर, तो हमारा ये आ गया, फिर दोबारा वो लिखूंगा P इक्वल टू 1/3 रो को मैं M बाई वी लिखूंगा वी आर एम एस का स्क्वायर। अब वी आर एम एस अगेन आपका जो है इसके प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अगर आपका वी कॉन्स्टेंट है, सॉरी अगर आपका पी कॉन्स्टेंट है, वट कैन आई राइट इसको, मैं लिखता हूँ पी वी इक्वल टू वही आ जाएगा फिर दोबारा एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, सॉरी मास है इसको मैं स्मॉल एम लिखता हूँ क्योंकि ये मास ऑफ द गैस है, मोलर मास नहीं है, वी आर एम एस का स्क्वायर। अगर मेरा कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट प्रेशर वी प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर एंड वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू होता है आपका रूट टी के, दिस इंप्लाई दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो यहाँ से आपका चार्ल्स लॉ प्रूव हो गया। एंड मत लिखो, सीधा दिस इंप्लाई लिख दो यहाँ से सीधा, दिस इंप्लाइज दैट वी प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर volume proportional to temperature because VRMS is proportional to root T, तो यहाँ से हमारा चार्ल्स लॉ प्रूव हो गया।
ठीक है, अगला ही मैं ये कर रहा हूँ। अगला हमारा गे लुसर्स लॉ है। बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स में प्रेशर, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये बोलता है पी प्रोपोर्शनल टू टी होना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो आई होप ये तो आप कर ही रहोगे डायरेक्टली, यही सेम यूज करना है। तो पी हमारा प्रोपोर्शनल टू टी प्रूव कर सकते हैं यहाँ से। पी हमारा क्या था, 1/3 एम वाई वी वॉल्यूम वी आर एम एस का स्क्वायर वी आर था। तो यहाँ से हमें पता है अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का स्क्वायर या पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये भी वही है सर, लास्ट स्लाइड लगाना एक बार। यस सर, हो गया। ओके, अब देखिए परफेक्ट गैस इक्वेशन लास्ट स्लाइड दिखा दो 2 मिनट। लो जी, डन डन। ओके, परफेक्ट गैस इक्वेशन हमारी पीवी को पेनल्टी होती है, यानी पीवी इज प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, वो प्रूव करना है हमें। फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, एम बाई वी से, एम बाई वी सी स्क्वायर वी आर एम एस स्क्वायर। तो पी वी इक्वल टू जो आपका आ गया वो आएगा एम बाई थ्री वी वी आर एम एस का स्क्वायर। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका पी वी इज प्रपोर्शनल टू, पी वी इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पी वी इक्वल टू R T, where R is a constant. तो हमारा पी वी इक्वल टू आर टी बनता है, ये एक मोल के लिए है, अगर आप एन मोल लोगे तो एन मोल के लिए आ जाएगा। मैंने मैं प्रूव ये करना था पी वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन हो गई आपकी। सर ये 1 मोल के लिए किया है ना हमने, 1 मोल, 1 मोल के लिए किया है। तो लिख सकते हो फॉर एन मोल ऑफ, फॉर एन मोल्स पी वी इक्वल टू एन आर टी। प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, उसकी वैल्यू वगैरह पुट करके वी आर एम एस की। 1/2 जो होता है हमारा एम वी स्क्वायर, उसको 3/2 के टी पुट करके या वहाँ सबसे प्रूव भी कर सकते हो उसे। लेकिन हम कितना लिखते हैं कि हमारा पी वी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी वी इक्वल टू आर टी। तो हमारी गैस इक्वेशन प्रूव हो गई।
नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं अवोगैड्रो लॉ। अवोगैड्रो लॉ क्या था? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि ईच गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल एंड अंडर सिमिलर कंडीशन, ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट सिमिलर कंडीशन और टेंपरेचर प्रेशर, ये बोल रहे हो? यस सर, सेम वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। इसमें अवोगैड्रो को एक्चुअली हाइपोथेसिस बोलते हैं हम लोग ना, तो वो जो है वो कहता है कि इक्वल लॉ सॉरी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ईच गैस अंडर आइडेंटिकल, या वी कैन एट सेम टेम्परेचर ही बोल सकते हो, आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contains same number of molecule. तो सारी गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं अगर सेम वॉल्यूम आप लोगे, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे। तो मॉलिक्यूल आपके नंबर सेम आएगा, हालांकि गैसों के मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसने ये कहा था गैस के मॉलिक्यूल छोटे बड़े होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन नंबर सेम आएगा आपका अगर आपने कंडीशन सेम ली है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये ऐसा होता है। ठीक है, करें? यस सर। ओके, तो पी हमारा जो होता है, फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे, पी हमारा 1/3 रो वी स्क्वायर, और वहां से फिर हमारा आ जाएगा पी इक्वल टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर, किसी भी गैस के लिए ऐसे आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, है ना? वो सब इसको अगर ऐसे लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3/2। तो हमारा जो गैस है, गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 के टी होती है एट एनी टेम्परेचर टी, तो वो सब गैस के लिए सेम आएगी, वो हमारी सब गैसेस के लिए क्या होगी, सेम आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा टोटल मास है गैस का, ये हमारा टोटल मास है, टोटल मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल मास को मैं लिख सकता हूँ मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल, ठीक है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3 वी को यहां कर लेते हैं, 1/2 एम को मैं लिख देता हूं, 1/2 m इंटू एम आएगा तो मैं n को बाहर ले लेता हूँ, m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, आ गया n बाय वी वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है जो ये जो चीज आएगी ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये 3/2 के टी के बराबर आती है ना, 1/2 जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक मोल ऑफ गैस के, 3/2 आर टी आती है, सॉरी
तो ये चीज़ हमारी 3/2 RT आएगी बेसिकली, ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है। आप क्या बोल रहे हो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपका अगर प्रेशर सेम है, अगर आपका वॉल्यूम सेम है, और ये चीज़ तो टेम्परेचर पर डिपेंड है, अगर टेम्परेचर सेम है तो एन क्या आएगा, सारी गैसेस का कॉन्स्टेंट आएगा। ये आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 2N/3V इंटू 1/2 mVrms का स्क्वायर। m इज द मोलर मास ऑफ द गैस। ये आ रहा है हमारा अब तक। तो हमारा जो n है सर, इस m को m डैश कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी इसको। यस सर, कैपिटल m लिख देते हैं इसको। जो कंप्यूट मोलर मास होता है उसको कैपिटल m से लिखते हैं यूजुअली, और जो गैस का मास होगा उसको हम स्मॉल m से लिख रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ पे हमारा जो n है एट कांस्टेंट पी वी एक तो हमारा जो है हाफ एम वी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल टू, ये हम लिखते हैं हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एंड नहीं सो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम वी कैन से एन इज कॉन्स्टेंट, है ना, क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टेंट है, आपने ये कॉन्स्टेंट बोला और आपने बोला कि ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है वो भी कॉन्स्टेंट है। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एन इज कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। इसको अगर आप ज्यादा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इसको 2N/3V आया था आपका, इसको लिख सकते हो 3/2 RT। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो है डायरेक्ट इक्वेशन भी ड्राइव हो जाएगी पी इक्वल टू NRT, या फिर आप बोल सकते हो कि N इज कॉन्स्टेंट फॉर दिस थिंग। लेकिन हम इतना ही लिखते हैं, अभी हम बस ये लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, बट मोलर मास तो डिफरेंट होगा ना। हाँ, मोलर मास हमारा ये है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट मोलर मास। हाँ, लेकिन ये जो पूरा फैक्टर है ये इक्वल टू 3/2 RT है ना सब गैसेस के लिए। काइनेटिक एनर्जी हो गई जो दिखती है, तो वो तो 3/2 PV होती है ना। 3/2 PV होगी तो पीवी को एनआरटी लिखेंगे ना, तो आर एन आपका 1 हो जाएगा, 3/2 RT आएगा वहां से। तो ये चीज हमारी सेम आएगी सारे गैसेस के लिए हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल डिपेंड किस पे कर रहा था, पी वी, और इस पर डिपेंड कर रहा था पी वी पे। पी वी आपने सेम अगर ले लिया और टेम्परेचर अगर आपने सेम ले लिया तो आपका फिर एन भी सेम आएगा। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा कांस्टेंट आएगा। बुक्स में इसको ऐसा करा हुआ है कि इसको P1, एक मैंने दो दो गैस मानी हुई है, P1 मानी हुई है, उसको ऐसे लिख दिया कि 2N/3V1 करके ऐसे करके कर दिया है। उसको फिर उन्होंने प्रूव किया है कि N1 = N2 होगा, क्योंकि 3/2 RT आ जाएगा फैक्टर आपका। तो इसका N1 मान लो, दूसरी गैस का N2 मान लो, दोनों N1 = N2 आ जाएंगे। ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, ये ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको पेपर में कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपके टीचर ने। सर, अगर टीचर ने कुछ भी नहीं करवाया तो आपका वाला तरीका यूज कर सकते हैं ना, जो आपको याद रहे फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, तो हमने ओके ये भी प्रूव कर दिया, हमने जो डाल्टन लॉ का जो सॉरी अवोगाड्रो का जो हाइपोथेसिस था वो प्रूव कर दिया कि हमारे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं इन सेम नंबर ऑफ
वॉल्यूम ऑफ द गैस। सेकंड हमारा जो है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ द गैस के प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसको देखते कैसे प्रूव करेंगे। प्रेशर हमारा 1/3 रो वी स्क्वायर, प्रेशर हमारा रो भी ये है, तो ये हमारा प्रोपोर्शन होता है दिस थिंग एट कांस्टेंट प्रेशर पे लेना पड़ेगा, प्रेशर बराबर लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो अगर दो गैस का प्रेशर सेम है तो वी कैन राइट दैट ये आएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी का रेशियो आएगा, वी आर एम एस का रेशियो, ये रेशियो आएगा क्या आएगा हमारा, इधर हम अगर 2 करें और यहाँ पे 1 करें तो इसका रूट आ जाएगा। तो वी आर एम एस का जो रेशियो है वो हमारा डेंसिटी के इन्वर्सली आया। एंड वी नो दैट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, हमारा जो रेट है हमारा वो वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा। जितनी तेज वेलोसिटी होगी उतना तेज से गैस डिफ्यूज करेगी दूसरी गैस के अंदर। वी नो दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी आर एम एस। तो यहाँ से आप देखेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपका जो रेट भी है R1 R2 वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है। दिस इंप्लाई दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी। हमने ये P1 प्रेशर और P2 प्रेशर को इक्वल टू किया। ग्राम्स लॉ उसके लिए होता है ना कि अगर आपका प्रेशर सेम है तो उस आइडेंटिकल कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल टू ये होता है डेंसिटी के, इनवर्सली ऑफ द रूट डेंसिटी के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फिर VRM से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, रेट मैंने क्या होता है कि गैस कितनी सेंटीमीटर आगे गई किसी कंटेनर में तो वो रेट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना, कि वेलोसिटी कितनी तेज आपकी गैस की। यस सर ओके। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने बोला नहीं, कर लिया, मैं नोट कर लिया। यस सर। ओके, तो ऐसे हम जो है सारे लॉ प्रूव कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज का यूज करके प्रूव हो सकता है हमारा। ऐसे हम एक और लॉ प्रूव कर सकते हैं इससे, जो है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, किसी को आइडिया है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर?
सर मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो एक गैस होगी उसका जो प्रेशर होगा वो उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना अगर एक उतने ही वॉल्यूम के कंटेनर में सेम कंडीशंस में उसको रखते तब एग्जर्ट करती। ओके करेक्ट। तो प्रूव करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके लिए से कंडीशन क्या है, गैस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। सर नॉन रिएक्टिंग गैस लेनी है। सर हाँ नॉन रिएक्टिंग, अगर रिएक्ट कर जाएगी तो फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स वगैरह चेंज हो जाएंगे, फिर वहाँ फर्क पड़ जाएगा। तो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईच गैस व्हेन enclosed in the same container at same temperature। तो सेम टेम्परेचर पे जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करेंगे अकेले और जो टोटल गैस एग्जिट करेगी दोनों सेम होंगे आपके, ये हमें प्रूव करना है। यानी P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन विल बी इक्वल टू P, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी आप P1 P2 P3 क्या होंगे, P1 P2 P3 जो हमारा होता है 1/3 ρ c² होता है, तो 1/3 यू कैन राइट रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। Vrms² तो Vrms को मैं V ही लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि वो ना हो, या V बार लिख देता हूँ। Vrms² ये होता है हमारा प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है इसको मैं थोड़ा सा और इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इसको एम डैश लिखता हूँ अभी, और फिर इसको हम लिखते हैं 1/3 m × n। m क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो m है वो मास ऑफ, यानी m1 आएगा, m1 इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और यहाँ पे ये सर तो फिर ये एम गिवन मास होगा ना। हाँ यहाँ पे जो एम डैश है ये गिवन मास होगा, और m × n जो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, n हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, सेकेंड वाले में हमने वन
फिर अगर हम एम इन टू एन करेंगे तो फिर टोटल गैस का आ जाएगा ना जितना मास होगा। अभी हाँ, अगर हम एम इन टू एन करेंगे तो टोटल गैस का, मैंने हमें ये तो एक गैस के लिए आया जो आपने एक गैस ली एम वन एन वन, अगर आप टोटल गैस का लेना चाहोगे तो वो कितना आएगा आपका, वो आपका आएगा 1/3 वी आर एम एस। मान लो इसका जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे मैं वी वन पुट कर देता हूँ क्योंकि पहली गैस है, पहली गैस का वी आर एम एस वी वन होगा मान लो, लेकिन यहाँ पे जो इसका पूरा वी आर एम एस आएगा कुछ और आएगा, उसको मैं वी बार मान लेता हूँ ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम सेम है, जो एक गैस ऑक्यूपाई करेगी या सारी गैस ऑक्यूपाई करेंगी, सब एक कंटेनर की बात हो रही है तो वॉल्यूम इज भी सेम, तो मैं टोटल गैस लूँ तो वॉल्यूम मैं वी लूंगा, और यहाँ पे मास अगर मैं लूँ, अगर मैं मास लूंगा यहाँ पे तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, टोटल सिग्मा एम एन करना पड़ेगा, सिग्मा एम एन यस। तो पूरी गैस का मास आएगा। तो फिर जो मास निकलेगा वो तो फिर एक पर्टिकुलर गैस का वो होगा ना, मोलर मास। नहीं मोलर तो नहीं बोल सकते क्योंकि उस पर डिपेंड करता है ना कितने मोल आपने भरे हुए हैं उसमें, अब मान लो 2 मोल भरे हुए तो फिर तो 2 मोल का मास आएगा, ये तो टोटल मास की बात करेगा लोग, गिवन मास की। मतलब अगर हम गिवन मास को अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो, नहीं तब भी नहीं आएगा, हाँ गिवन मास को मोलर मास से अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल आएंगे ठीक यस सर। है। मतलब एम इन टू एन एक गैस का मास ही आएगा, टोटल मास। हाँ एम इन टू एम क्या होगा भाई, एक गैस का जो नंबर ऑफ मोल है, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसके, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है वो आपने निकाल दिया, मान लो 2 ग्राम आ गया, ऐसे दूसरी गैस का 3 ग्राम आ गया, फिर 4 ग्राम आ गया, सबको ऐड कर लिया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम टोटल मास आ गया गैस का, वो सिग्मा एम एन है। अच्छा ओके ओके सर, सारी गैस का मास, हर मॉलिक्यूल का मास तो सेम ही होने वाला है, तो फिर सर ये एम इंटू में एन हो जाएगा ना। नहीं गैस अलग अलग है ना, ये सेम गैस नहीं है, एम वन एन वन डि एन वन डिफरेंट एम वन डिफरेंट होगा, एम टू डिफरेंट होगा, एम थ्री डिफरेंट होगा, एक ये जो आपने गैस। सर नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है, ये जो 1/3 m, ये वाली समझ में नहीं है इसमें क्या। ये वाली, यस सर, ये मैंने भी पी वन इसके लिए रखी है, अगर पहली गैस को मैं लूं किसी गैस को, अभी मैं यस समझा सर, रहा हूँ, मैं डेराइव नहीं कर रहा अभी, कि अब पी वन अगर मैं गैस का लूं, प्रेशर तो ये पहली गैस के लिए है, तो पहली गैस का जो मास होगा वो मैं एम वन इंटू एन वन लिख सकता हूँ, हाँ यस सर, लिख दूसरी गैस के लिए लिखूंगा तो एम टू इंटू एन टू लिखना एम पड़ेगा। हाँ तो यानी एम जो है डिफरेंट होंगे सबके और एन भी डिफरेंट होंगे, अच्छा, तो फिर सिग्मा एम एन इसलिए लिख दिया। यस इसलिए सर वहाँ पे ठीक मैंने सिग्मा एम एन लिखा है। है, तो ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों आपस में बराबर है, यानी मैं इनका सम अगर करूंगा तो ये इक्वल आएंगे ठीक है। यानी फिर सबसे लास्ट स्लाइड दिखाना ये वाली सर, इससे पहले पहले, डन। अब हमें ये प्रूव करना है कि आपस में बराबर है ना, तो हम इनका सम करते हैं, पी वन प्लस पी टू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। सर एक बार पीछे वाले पे कर दीजिए। ओके सर ये कौन एम इन टू एन वाला एक और बार बता दीजिए से वाला, ये वाला सर, वो लास्ट में जो है 1/3 एम इन टू एन। ये तो मैंने एक गैस के लिए लिखा है, गैस के लिए क्या लिखोगे आप, 1/3 रो सी स्क्वायर ये लिखोगे ना, इसको स्टार्ट करोगे, पी वन इक्वल टू क्या होगा, 1/3 रो वी स्क्वायर ऐसे करोगे ठीक यस सर, है। तो रो जब लिखोगे तो रो में क्या लिखोगे, रो वन में इसकी इसका मास लिखोगे जो गैस का मास होगा फर्स्ट गैस का, और डिवाइड बाय कंटेनर का वॉल्यूम ठीक है। यस सर, ओके सर, समझ आ गया। ओके ऐसे सेकंड गैस का जब लिखेंगे तो उसमें उसकी डेंसिटी और कंटेनर का वॉल्यूम, तो कंटेनर का वॉल्यूम हर जगह वी वी आता रहेगा, हर जगह यहाँ भी वी आएगा, यहाँ भी वी आएगा और यहाँ भी वी आएगा, क्योंकि हम सेम कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो वी तो सेम सर आएगा। ये हाँ समझ आ गया सर, वो मैंने एन को मोल मान लिया था, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाँ अभी जस्ट पढ़ा। हाँ तो मैंने बोला था उस समय, ध्यान आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला था कि एन इज नॉट द मोल, एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है। चलो अच्छा मैं समझा, अभी और लोगों को कंफ्यूज हो तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सब जगह वी जो है सेम आता रहेगा ठीक है।
केवल फर्क पड़ेगा आपका आरएमएस वेलोसिटी। अच्छा वीआरएमएस जो है ये सेम आएगी या डिफरेंट आएगी सबकी? सर डिफरेंट है, डिफरेंट आएगी। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट बताऊं एम वन बी वन का स्क्वायर, ये सेम आएगा डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। एम मतलब ये एम डैश इंटू वी स्क्वायर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेम आएगा डिफरेंट आएगा सब गैसेस के लिए? ये सेम आएगा, टेम्परेचर सेम है। करेक्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है केवल। और आप एक ही कंटेनर में सारी गैसें भरी हुई हैं, आपका टेम्परेचर सबका सेम होगा, तो ये सब गैसेस के लिए ये फैक्टर सेम आएगा, है ना। लेकिन वी डिफरेंट आ सकता है क्योंकि वो मास पे डिपेंड करेगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो देखो आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ये आया पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री आया, इसको ऐड कर लेते हैं, क्या बनेगा ये 1/3 एम वन एन वन वी वन स्क्वायर आया था ना आपका, तो 1/3 पेन चेंज कर लें, 1/3 एम वन एन वन बाय वी स्क्वायर, एम वन एन वन बाय वी स्क्वायर इंटू वी वन का स्क्वायर। यहाँ पे एम वन इंटू वी वन स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ भी होते हैं, यहाँ पे हाफ था ही नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाफ तो कॉन्स्टेंट ही है। मैं चाहे इसको कॉन्स्टेंट बोलूँ या एम वी स्क्वायर को कॉन्स्टेंट बोलूँ, एक ही तो बात है। आपसे फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा प्लस, ओके एम टू एन टू, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे वी आ रहा था ना, वी स्क्वायर थोड़ी है, वी है नीचे, तो वी स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने। यहाँ पे वी आना चाहिए ना, ऐसे ही आ जाएगा वी टू का स्क्वायर प्लस 1/3 एम थ्री एन थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें कुल मिला के इसे घुमा फिरा के यहां पे लाना है। क्या करते हैं हम लोग, हम लोग लिखते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस। दिस इंप्लाइज दैट हाफ एम वन वी वन स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम थ्री वी थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये इक्वल होगा और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो वैल्यू इसकी होगी 3/2 kT। दिस इंप्लाई दैट एम वन वी वन का स्क्वायर इक्वल टू एम टू वी टू का स्क्वायर इक्वल टू एम थ्री वी थ्री का स्क्वायर इक्वल टू 3 kT, सो ऑन इक्वल टू 3 kT। तो यहां से मैं इक्वेशन नंबर वन से मैं जो है इसको कॉमन ले सकता हूँ, एम वन वी वन के स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर 3 kT कर सकता हूँ। दिस इंप्लाई दैट यूजिंग इक्वेशन वन पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू, मैं एम वी को कॉमन ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका एन वन बचेगा, एक तो एन वन बचेगा अंदर और एक वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो अंदर जो बचेगा वो एन वन प्लस एन टू प्लस
प्लस एन थ्री प्लस 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 सो ऑन, और जो बाहर आपका जो है यहाँ पे वन बाय थ्री वी बचेगा, एक तो सब जगह वन बाय थ्री वी है, दूसरा जो है एम बी स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, ले चुके हो, तो उसे मैं थ्री बाय थ्री के टी कर सकता हूँ, थ्री के टी लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया इक्वल टू एन वन प्लस एन, हाँ के टी बाय वी आ गया, और अंदर आ गया एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री सो ऑन, ठीक है। क्लियर? करें आगे इससे? यस सर, यस सर। सर ये किसे थ्री, ये थ्री थ्री कहाँ से आ गए? एक थ्री तो ये वाला था ना ये, यस yes. और एक थ्री आपका यहाँ से आया, थ्री के टी आपने लिखा ही है, आपने एम वन वी वन स्क्वायर को लिखा ना, थ्री के टी आपने कॉमन ले लिया, एम वन वी वन स्क्वायर थ्री के टी, थ्री के टी ऐसे, ठीक है। यस सर, तो ये आपका कुल मिला के बन गया इक्वल टू के टी बाई वी एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, अभी तक ये बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा एन नंबर ऑफ एन गैसेस का पार्शियल प्रेशर को मैंने ऐड किया है, एन गैसेस का पार्शियल प्रेशर मैंने ऐड किया है, तो मेरा ये बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं टोटल देखूं, टोटल प्रेशर अगर मैं देखूं, जो डाल्टन लॉ ने बोला था, डाल्टन लॉ ने बोला है कि अगर उसका जो प्रेशर होगा वो टोटल गैस का प्रेशर क्या आएगा, अगर मैं टोटल गैस का प्रेशर निकालूं, प्रेशर ऑफ मिक्सचर अगर मैं डायरेक्ट निकालूं, विल बी इक्वल टू वन बाय थ्री रो वी आर एम एस का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू वन बाय थ्री मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा इसका, फिर दोबारा ये आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, विच विल बी इक्वल टू वन बाय थ्री, ये जो चीज है मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को मैं कह सकता हूँ ये मास है और ये वॉल्यूम है। अब मुझे पता है यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मेरी ये वी आर एम एस है, इसकी जो वी आर एम एस है वी कैन राइट की वन बाय टू, देखो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी, जो डिराइव करने के तरीके होते हैं वो फिक्स होते हैं कि ऐसे ही करना है? नहीं ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हो, मैंने लगभग लगभग तरीका सेम होता है, बस ये होता है कई बार आप इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, कहीं पे हम डिवाइड कर दे, कोई टीचर उसको डिवाइड करके दिखा देगा सर। अगर यहाँ पे हम जो ऊपर इक्वेशन बनी है n1 प्लस n2 वाली, ये n1 n2 यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो अगर इस राइट साइड को हम na से डिवाइड भी कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, तो डिवाइड करने से वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने से k इनटू na जो है वो r बन जाएगा, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स RT बाय V आ जाएगा, जो आइडियल गैस इक्वेशन से आता है। वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो करो कोई जो होगा वो ड्राइव करेगा, कई बार हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं जो इक्वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ओके सर, कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा वी तो सेम था हमारा, एम हमारा जो टोटल मास है हमारा, तो एम एक्चुअली जो हमारा है यहाँ पे टोटल मास है ये, एम को मैं कह सकता हूँ, एम को मैं लिख सकता हूँ दिस इज सिग्मा एम एन लिख सकता हूँ, यहाँ पे एम डैश लिख देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एम डैश माना था ना मास को, यहाँ पे मास तो
ये हमारा जो है फिर फाइनली एम सिग्मा एम इंटू एन इंटू वी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कैसे अब होगा? एम डैश को हम क्या मानेंगे, एम डैश हमारा जो है गिवन मास ऑफ द टोटल गैस है, टोटल गैस इन द कंटेनर है, टोटल मास ऑफ गैस इन द कंटेनर, यही होगा ना एम डैश। वो क्या होगा हमारा, यस सर। वो हमारा होगा एम वन एन वन प्लस एम टू एन टू प्लस एम थ्री एन थ्री। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, उनका मास कितना है, इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, उसका मास कितना है, प्लस एम थ्री के कितने मॉलिक्यूल हैं, उसका मास कितना है, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा एम डैश, ठीक। ठीक है, यस ओके। अब हमें ये इक्वेट करना है कि दोनों आपस में बराबर है, जो ऊपर आया है हमारा के टी बाई बी और यहाँ पे जो आ रहा है हमारा, ये आपस में दोनों बराबर आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कर सकते थे कि अच्छा यहाँ पे हमारा फंस रहा अभी है, वेट अ सेक, अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर हमारा ये आ रहा है एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हमारा के टी के बराबर है। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/3 एम वन एन वन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर प्लस एम टू एन टू वी आर एम एस का स्क्वायर सर अपॉन बी तो आएगा ही। हाँ बी को मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। एम थ्री एम थ्री वी आर एम एस का स्क्वायर, तो ये सो ऑन चलता जाएगा। अब यहाँ फर्क क्या है, वी आर एम एस जो है हमने पूरे गैस की लिए, कंबाइंड गैस की वी आर एम एस ली है, ठीक है, कंबाइंड गैस की वी आर एम एस ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे तो फंसेगा अगर ऐसे करेंगे तो, एक मिनट रुको, केटी वाले को इजी करें थोड़ा। यहाँ तक हमारा आ गया 3/2 केटी बाय वी आ गया, के टी बाई वी एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एम सी स्क्वायर बाई वी। हमारा जो टोटल मास है एम सी स्क्वायर, ये होना चाहिए, कहीं पे एक स्टेप उलझ रहा है हमारा, कहीं पे हमने एक चीज स्टेप कहीं छोड़ रखा है। हमारा 2 और 3 बराबर आना चाहिए इक्वेशन, तो वहां से हम लोग देखना, एक स्टेप फंस रहा है छोटा सा, लेट मी चेक, एक मिनट। हाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसे ऐसे ही करते हैं जैसे बोल रहे थे, के टी इंटू एन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वी, ठीक है। इसको हम नंबर ऑफ मोल बाय वी करते हैं, और नंबर ऑफ मोल को फिर हम लिखते हैं, अब जो हमारे नंबर ऑफ मोल है
और ये हमारा के टी है, के टी को मैं लिख सकता हूँ जो मेरा के टी होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 1/2 रो वी स्क्वायर। के टी इंटू एन आया हमारा यहाँ से, और के टी को हम लोग दोबारा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रो और वी की फॉर्म में। एन इंटू के टी अगर हम देखें तो एन इंटू के टी, के टी जो है वो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और हमारे अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे टोटल आ गए यहाँ पे, N1 क्या माना था हमने, N1 हमारा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल माने, ओके यहाँ से सही हो जाएगा। N हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो N हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है क्योंकि, और एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है ना, तो ये जो है हमारी, अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ इसे तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ 3/2 और 2/3, ठीक है, तो दिस विल बिकम 2/3 इंटू बाय वी इंटू, दिस इज जो ऊपर वाला फैक्टर है वो क्या है हमारा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है, जो ये ऊपर वाला 3/2 kT इंटू एन है, 3/2 एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हुई और इंटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर गैस आ गई, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस किसके बराबर होगी, वो होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो हमारी होती है वो होती है, अगर मैं उसके फॉर्म में लिखूं एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी हमारी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब हाफ इंटू, यहाँ पे हमने एम इंटू एन माना है, एम इंटू एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो, क्योंकि हमने एम नंबर ऑफ मोल और ये माने गैस, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ये आनी चाहिए एम इंटू एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, यानी हमने जो वी आर एम एस यहाँ पे मानी है वो, तो यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी वो आनी चाहिए आपकी 1/2 सिग्मा एम एन इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। वी आर एम एस क्या है यहाँ पे, पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी है, वी आर एम एस यहाँ पे पूरी गैस की काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारा ये आएगा, और यहां से फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू, टू से टू अगर आप काट दो तो 1/3 V सिग्मा एम एन, 1/3 V सिग्मा एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू दिस थिंग। अगर ये 3 है और ये 4 है तो डायरेक्टली यहां से हम बोल सकते हैं कि 3 और 4 आर इक्वल, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शुरू से क्योंकि ये बीच में हम अटक गए थे। देखो शुरू से रिपीट कर रहा हूँ पूरा डेरिवेशन, देखिए यहाँ पे हमारे इंडिविजुअल प्रेशर थे, ये इनको हमें ऐड करके टोटल प्रेशर के बराबर इक्वेट करना था, इंडिविजुअल प्रेशर हमारे जो आएंगे वो एक एक गैस का प्रेशर लेना पड़ेगा, तो एक गैस का प्रेशर मैंने ये माना है मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा इंटू वी स्क्वायर, जो उसकी वेलोसिटी होगी उस गैस की, आरएमएस वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, और एक गैस का जो मास होगा वो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है, और टोटल गैस का जब निकालेंगे तो इतना आएगा। मेरे को ये दोनों इक्वेट करने थे, तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, P1+P2+P3 लिखा, उसको मैंने ये सब लिखा। अब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी सेम है इस मॉलिक्यूल की, तो मैंने हाफ एम बी स्क्वायर को इक्वेट किया, सबको के टी के बराबर लिखा, तो यहां से मेरा जो ये बन गया, ये चीज मेरी एम वन
वी स्क्वायर सब कॉमन आती गई, एन वन एन एन वन एन टू एन थ्री बचा, उससे मैंने के टी बाय जो बाकी बचा वो के टी बाय वी बचा बाहर, तो के टी बाय वी इंटू एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री लिखा। ये मेरे जो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है गैस के, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई किया, तो काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल की सेम होगी सेम टेम्परेचर पे। तो थ्री बाई के टू जो एक के टी था उसको मैं अंदर ले गया, तो मैंने थ्री बाई के टू से मल्टीप्लाई किया, थ्री बाई के टू से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस आ गई, क्योंकि मैंने सारे मॉलिक्यूल ले लिए थे यहाँ पे, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस इंटू टू बाई थ्री भी आ गया। फिर मैंने टोटल काइनेटिक एनर्जी गैस जो मेरी है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे जो गैस का एक मॉलिक्यूल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर एन मॉलिक्यूल होंगे तो हाफ एम इंटू एन इंटू वी स्क्वायर होगी, अगर एन मॉलिक्यूल होंगे, और अगर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं तो उनका जो मास, उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिग्मा एम एन इंटू वी आर एम स्क्वायर होगी। तो मैंने उसको सिग्मा एम एन लिखा, टोटल काइनेटिक एनर्जी को सिग्मा एम एन इंटू वी आर एम एस स्क्वायर इंटू हाफ लिखा, और इसको फिर मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये वन बाई थ्री सिग्मा एम एन इंटू वी आर एम एस आ गया, और जो प्रेशर ऑफ द टोटल मिक्सचर आना चाहिए वो भी इतना ही आना चाहिए। तो यहां से थ्री और फोर से आई कैन से दैट कि जो इंडिविजुअल प्रेशर अगर मैं ऐड करता डायरेक्टली मैथमेटिकली, और मैं टोटल प्रेशर अगर निकालूं गैस का बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस, वो सेम आएंगे। ये मैंने क्या किया, मैंने इंडिविजुअली ऐड किया है ना, और ये मैंने कैसे निकाला है, मैंने कंटेनर को मान के उसमें सारे मॉलिक्यूल मान के फिर निकाला है, तो ये बोथ प्रेशर विल कम इक्वल। अब क्लियर हुआ? यस सर। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो, क्योंकि एक्चुअली दोनों चीजें सेम दिखती है ना, लेकिन वो मैथमेटिकली डिफरेंट है। एक में आपने डायरेक्ट ऐड किया है एल्जेब्रिकली जो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री है, और यहाँ पे आपने प्रेशर और मिक्सचर कंटेनर के हिसाब से निकाला है, कंटेनर का इतना वॉल्यूम है उसमें इतने मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो थर्ड और फोर्थ से हमारा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री इक्वल्स टू पी कैसा आया? थर्ड और फोर्थ से ये क्या चीज है हमारा, ये हमारा प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है ना इन कंटेनर। यस सर, वो टोटल प्रेशर है थ्री थर्ड इक्वेशन में। हाँ, ये टोटल प्रेशर है फोर्थ इक्वेशन से, और ये थ्री से आया तो दोनों बराबर आ रहे हैं आपस में, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों बराबर हैं। सर ये यहाँ पर जो m डैश है ये टोटल मास है? m डैश इज टोटल मास, यस, यहाँ पे लिखा था ना हमने गिवन मास, और जो हम m लिख रहे हैं वो हम एक मॉलिक्यूल का मास लिख रहे हैं केवल, ये जो m लिखा हुआ। और सर यहाँ पे जो n लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? हाँ, n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब जिनका मास n m है वो n है, जिनका मास m दूसरा m2 होगा वो n2 होंगे, ऐसे करके। क्लियर? यस सर। ओके, तो बस डाल्टन लॉ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना एक बार दोबारा से, बाकी लॉ तो सारे इजी है प्रूव करना, इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेना दोबारा से। सर इसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट पूछ लेते हैं टीचर कई बार छोटे दो तीन नंबर के क्वेश्चन में। आप लोगों को तो पेपर हो गए, कई लोगों को तो मेरे या भी होने हैं फाइनल्स, तो होने हैं अभी आपको, तो करता है ट्वेल्थ का शुरू करा दिया? हाँ, वो मतलब जो क्लासेस चलती हैं उसमें कह रहे थे कि ट्वेल्थ का मैं तो अटेंड नहीं करती, पता नहीं स्टार्ट कराएंगे, लेकिन जो फाइनल एग्जाम्स है वो ऑफलाइन होंगे ना, इसलिए बाद में लेंगे, अच्छा मतलब फ़रवरी में। ओके, तो टॉपिक मैंने सिलेबस पूरा आएगा या जितना पढ़ा है उतना आएगा? लास्ट लास्ट के चैप्टर दे रखे हैं, पांच छह चैप्टर लास्ट वाले। हाँ ओके, मैंने लास्ट तक पूरा ये एसएमबी। उल्टा सर, जो ये है कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो अच्छे से आते हैं वो वाले नहीं दिए, लास्ट के पांच छह चैप्टर दिए हैं, तो उसमें ये वेव्स वगैरह आ जाएंगी जो तब तक पढ़ी नहीं होंगी, और ऑफलाइन पेपर होगा। अच्छा, कब है पेपर? सर वैसे तो फ़रवरी 15 से स्टार्ट है, फिजिक्स की डेट तो नहीं याद मुझे। हमारे अच्छा, फ़रवरी 15 से स्टार्ट है। स्कूल में तो पूरी बुक आएगी हर एक की। अच्छा मार्च ऑफलाइन।
चलो हमारा तो खत्म हो जाएगा। चलो जनवरी लास्ट से सोच रहा था खत्म करने के, लेकिन आपका शायद बाकी सिलेबस कम था तो कुछ क्लासें उसको दे दी गई बीच में, तो थोड़ा टाइम और लगेगा मैं फिजिक्स में। तो मैं चलिए कोई नहीं, हो जाएगा सब। सर अगर वो जो बीच में 1 महीना क्लास नहीं हुई थी ना, 1 डेढ़ महीना, वो हो जाती तो अभी तक हो चुका खत्म होता। है ओके, कोई नहीं अब हो जाएगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व, ये पूछते हैं मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है आपको। मैक्सवेल जो है उसने ये बोला था कि कोई गैस होती है जो कंटेनर में, तो आप तो बोलते हो कि वेलोसिटी सबकी सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होती, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है सबकी, है ना, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर। तो अगर आप ग्राफ बनाओ वी वन वी टू वी थ्री वी फोर का डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए, तो आप देखोगे कि कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड बहुत हाई होगी, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होगी, और ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड उसके बीच में होगी, है ना, जो एवरेज स्पीड होगी ज्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड उसके पास होगी। तो अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ बनाए वर्सेस स्पीड का, तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज नोन एज द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, ऑफ द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द गैसेस, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। और अगर आप इसको टेम्परेचर अगर आप इसका घटा दें तो ये कुछ ग्राफ ऐसा फ्लैट सा हो जाता है, यहाँ पे T1 मोर देन T2 है। जब T1 आप ग्राफ ज्यादा बनाओगे तो, सॉरी यहाँ पे आपका क्या एरिया ज्यादा रहे ना, ये हाँ यहाँ पे T2 जो है ज्यादा होगा T1 से, ऐसा होगा। तो ग्राफ आपका जो है ऐसा हो जाएगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका ग्राफ आगे को इधर को शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ग्राफ आपका मैंने इक्वेशन से भी आता है, लेकिन इक्वेशन आपके कोर्स में है नहीं, इसकी मैक्सवेल की इक्वेशन भी है इन, तो वो तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ग्राफ का आपको रफ पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ ग्राफ होता है हमारा। तो हर मॉलिक्यूल की स्पीड हमारी डिफरेंट डिफरेंट है, हर मॉलिक्यूल की स्पीड हमारी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें गैस में हम डिफरेंट स्पीड डिफाइन करते हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास होगी, है ना। मान लो आपने कंटेनर में एक मॉलिक्यूल पकड़ लिया, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी हो सकती है जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है ये। तो इसकी जो स्पीड होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो आपकी आती है सी मोस्ट प्रोबेबल, वो वैल्यू आती है 2 kT/m या फिर 2 RT/m। यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के यहाँ पे यस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक बार फिर से बता। यहाँ पे सर वो क्या लिखा आपने, CM? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को ने स्पीड को सी से भी लिखते हैं, वी से भी लिख सकते हो आप, मोस्ट ओके प्रोबेबल सर। सी मोस्ट प्रोबेबल। यहाँ पे मास अगर आप एक मॉलिक्यूल का लोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, पर अगर आप मोलर मास लोगे तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर एक्सप्लेन कर दो फिर से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड होती है जैसे मान लो आपके एक गैस कंटेनर है, इसमें 2 मॉलिक्यूल की स्पीड तो 50 मीटर पर सेकेंड है, 4 की जो है 70 मीटर पर सेकेंड है, 10 की जो है, नॉट 70 कम ले लेते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड है, 10 की जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, और 3 की जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, 1 की जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये पूरा कर्व बन गया आपका, है ना, ग्राफ बन गया एक ज्यादा स्पीड से कम स्पीड तक। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल की स्पीड इसमें क्या है, इस केस में 30 है, 10 मॉलिक्यूल की स्पीड 30 है। तो दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो ये वाली होगी ना। नहीं मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड तो ये है। ओके ओके
लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास ये स्पीड होने की संभावना है, तो इसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा मॉलिक्यूल के पास ये वाली स्पीड होगी। तो ये हमारी बी मोस्ट प्रोबेबल। यस कुछ नहीं सर वो। ओके क्या होता है हमारी मीन स्पीड और एवरेज स्पीड। तो ये हमारी जो आती है मीन और एवरेज स्पीड, ये मैंने सबका सम है बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, ये जो वैल्यू आती है आपकी वो आती है 8 RT बाय पाई एम या फिर 8 KT बाय पाई स्मॉल एम। ये हमारी मीन और एवरेज स्पीड है। प्लस वी टू प्लस वी थ्री के नीचे एन लिखा है। हाँ ये अप टू एन होगा ना या तो वी एन तक, तो डिवाइड बाय एन से करोगे आप। फिर होती है हमारी, अच्छा अगर मैं पूछता मीन वेलोसिटी क्या आएगी, अगर मीन वेलोसिटी पूछता आपसे, इसने मीन स्पीड बोला ना, अगर मीन वेलोसिटी बोलता तो वेक्टर लेके करते तो कितनी वैल्यू आती सर? जीरो। जीरो आती ना, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी मानते हो ना वेस की सब जगह। तो अगर कोई जरूरी है कि मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी माने हम, हमने गैस का जो अजम्पशन माने वो यही माना ना हमने कि सब जगह पे मैंने हर डायरेक्शन में वेलोसिटी लगभग बराबर है, अजम्पशन से हमारी जीरो आती है। सर वैसे तो जीरो नहीं होती ना, जीरो ही होगी। मैंने एक साइड को ज्यादा होने का रीजन क्या है बताओ, क्या रीजन हो सकता है? सर जैसे कि प्रेशर डिफरेंस हो जाए तो हो सकती है। प्रेशर डिफरेंस तो फिर वो गैस हमारी वो नहीं है ना, मैंने हम तो बात कर रहे हैं जब गैस हमारी वो है क्या नाम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है एक तरह से, अगर गैस मान लो मूव कर रही है या कुछ और वो है तो फिर तो डिफरेंस हो सकता है। मान लो गैस फ्लो कर रही है पाइप में फिर तो होगी, लेकिन अगर कंटेनर बंद है एक और स्टेबल कंडीशन में है तो वी कैन अज्यूम कि वेलोसिटी बराबर होगी, है ना? हाँ बट सर एक टाइम में एक ही डैश में तो उसकी स्पीड होगी। नहीं एक डायरेक्शन में, मान लो कंटेनर अगर बंद है इसमें तो 1 करोड़ मॉलिक्यूल है, 1 करोड़ मॉलिक्यूल में किसी की स्पीड किधर को होगी, किसी की स्पीड किधर को होगी, किसी किधर को होगी, तो आप किसी डायरेक्शन में निकाल नहीं सकते बट। हाँ लेकिन हम ये नहीं बोल सकते ना कोई डायरेक्शन में फेवरेबल क्यों होगी भाई, गैस के लिए कोई वो नहीं है ना फेवरेट की, मेरे ईस्ट फेवरेट है या वेस्ट फेवरेट है या अप फेवरेट है या डाउन फेवरेट है, तो गैस के लिए सारी डायरेक्शन सेम है तो बाय इक्वल प्रोबेबिलिटी सेम होगा। यस तो दिस इज रूट मीन। अच्छा अब करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार। तो वी आर एम एस जो हमारी आती है एक्चुअली जो होती है वी आर एम एस होती है वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी थ्री का स्क्वायर प्लस 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 वी एन का स्क्वायर बाय एन का रूट। ठीक है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया उसका मीन लिया फिर रूट लिया, इसको हम बोलते हैं वी आर एम एस। तो ये वैल्यू आपकी 3 RT बाय एम आ रही है, आप देख रहे हो बार बार। और अगर स्मॉल एम की टर्म में लिखोगे तो 3 KT बाय एम आएगी। ठीक है सर ये एवरेज स्पीड ज्यादा क्यों आ रही है सबसे? एवरेज स्पीड ज्यादा क्यों आ रही है सबसे, ये तो उसका जो एक्चुअल इक्वेशन है उसको हमें वो करना पड़ेगा, उससे निकालनी पड़ेगी जो एक्चुअल इक्वेशन आती है बोल्ट्जमैन की n इक्वल टू n नॉट e की पावर समथिंग आती है करके जो इक्वेशन बनती है n इक्वल टू समथिंग है m बाय 2 पाई KT। मैंने इसका रीजन क्या है, रीजन तो ऐसा नहीं हो सकता क्या है, मैंने एक्चुअली ऐसा क्यों है मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है? नहीं कोई रीजन नहीं है ऐसा, कोई हम वो नहीं बोल सकते कि इसलिए ऐसा हो गया,
स्टैटिस्टिकल वो है डाटा। सर हमसे मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जैसी भी कोई चीज होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो सेम होगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना आपने यहाँ पे, तो वेलोसिटी तो सेम आएगी आरएमएस। पर स्क्वायर का मतलब ये थोड़ी है कि वेक्टर से मतलब वो उसका डायरेक्शन चली जाएगी। स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया अपने आप से, तो अच्छा हाँ ठीक है, स्केलर होगा। डायरेक्शन चली जाएगी ना उसकी। तो ये हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो तीन स्पीड है हमारे को, तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने, 2 RT/m मोस्ट प्रोबेबल, RMS 8 RT/m पाई एम, और ये 3 RT/m। सबसे ज्यादा हमें इसकी जरूरत पड़ती है RMS की, बाकी हमें जब क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी, नहीं तो RMS तो कई जगह जरूरत पड़ रही है हमें अब तक। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी होती है गैसेस की, है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है एक्चुअली जो हमारी गैस की होती है, मैंने कल देखा था मोनो गैस की तीन होती है, डाया के लिए 5 रहते हैं, ट्राई के लिए हम 2 केस बनाते हैं, एक तो है लीनियर एक है नॉन लीनियर। इस केस में ये 6 आती है और इस केस में ये 7 आती है। इसका कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया नहीं हुआ कहीं पे कि ऐसा क्यों होता है। सर लीनियर का तो फिर भी दिया हुआ है, लीनियर का नहीं दिया हुआ ढंग से। यस, मतलब ये इनका कोई रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों है? इसका रीजन ये बोलते हैं भाई मोनो में तो ऐसे बोलते हैं कि 3x इसमें वेलोसिटी हो सकती है, y में हो सकती है और z में हो सकती है। जैसे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स का कोई रोटेशन होता है ना, कि कितनी डायरेक्शन उनका रोटेशन हो सकता है उसके हिसाब से? रोटेशन नहीं, रोटेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा, रोटेशन का केस यहाँ पे आएगा डाई से। फर्स्ट केस में तो केवल इसकी ट्रांसलेशन एनर्जी हो सकती है, जो रोटेशन होगा इसके अबाउट, अगर रोटेशन लोगे इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल आप पॉइंट साइज मान रहे हो तो इसका आई 0 हो जाएगा, तो इसके कारण इसमें कोई रोटेशन की एनर्जी स्टोर नहीं होगी, इसमें जो भी एनर्जी होगी उसके ट्रांसलेशन मोशन के कारण होगी। डाई के केस में हम ये बोलते हैं कि इसमें ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, तीन एनर्जी इसमें, तीन जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशन मोशन के कारण है, उसके अलावा ये रोटेट कर सकता है। अब रोटेट अगर इसके अबाउट करेगा तो इसका आई आ जाएगा कुछ, इसके अबाउट भी आई आ जाएगा कुछ, लेकिन अगर मैं इसके अबाउट लूंगा तो आई मेरा 0 आएगा, फिर दोबारा वही रीजन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपके पॉइंट साइज है और ये एक्सेस आपका बिल्कुल मॉलिक्यूल से ही पास कर रहा है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो हमारे 2 एक्सिस के अबाउट एनर्जी आएगी, इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, तो ये 2 आ गया, तो 2 और 3 मिला के 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी 3 है, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है इसकी ट्रांसलेशन के कारण, इसकी जो है 5 है 3 ट्रांसलेशन के कारण 2 रोटेशन के कारण। नॉन लीनियर में ये लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा है हमारा मॉलिक्यूल तो ये रोटेट करेगा, 3 इसके रोटेशन हो जाएंगे, 3 इसके ट्रांसलेशन हो जाएंगे, तो इसका एक्सप्रेशन भी दिया हुआ ढंग से। इस केस में यूजुअली ये लोग वाइब्रेशन लेते हैं, ऐसा लिखा रहता है कि वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन लेकिन डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना होगा, उस पर डिपेंड करता है वाइब्रेशन होगा या नहीं होगा। तो नॉन लीनियर का केस तो क्लियर है हमें कि उसमें भी यही बोलते हैं कि 3 ट्रांसलेशन होंगे इसके और 3 रोटेशन पॉसिबल है इसके, एक्स की इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, 3 एक्सिस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट, वाई जेड और एक्स के अबाउट, इसलिए इसे 6 लेते हैं। इसका कोई बहुत अच्छा एक्सप्रेशन कहीं पे नहीं दिया हुआ कि 7 क्यों लेते हैं, ये किताबों में दिया हुआ है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल करके लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि ऐसा क्यों है। तो हमें वैसे जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, हमें जरूरत ही पड़ने वाली कितनी होंगी, और हमें मेनली जरूरत इनकी पड़ने वाली है मोनो और डाया। तो आई होप मोनो और डाया तो क्लियर हो गए, मोनो और डाया क्लियर है ना, 3 और 5 क्यों लिया। यस सर, वो क्लियर है सर। ओके एक कुछ चीज पूछनी थी सर, ये जो लीनियर पॉलीएटमिक है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 होती है ना?
लीनियर पॉलीएटॉमिक, यानी कि तीन से ज्यादा अगर एटम हो। यस सर, लीनियर सर मतलब टू से ज्यादा को ये तो पॉली कह देते हैं। हाँ हाँ तो सर ट्राई वाली में फिर फाइव आना चाहिए ना लीनियर वाले नहीं, में। सात दिया हुआ है बुक्स में, तो सात मांगते हैं इसको। ऐसा कहाँ देखा आपने पांच? सर मैंने भी केमिस्ट्री में देखा था। अब आप बताना मुझे कहाँ पे लिखा है सर, ओके सर। चेक चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है अच्छा, इसमें और क्या होता है उसके अलावा? जब अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो फिर वाइब्रेशन एनर्जी भी आ जाती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है ना? तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो पेपर में या तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वो दे देगा सीधा ही, या बोलेगा कि वाइब्रेशन वाले को नेगलेक्ट कर लो। अगर वाइब्रेशन को नेगलेक्ट कर लिया तो फिर तो हमारा ये आ जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है। अगर वाइब्रेशन होगा तो आप निकाल नहीं सकते कितनी होगी एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी। तो वहां पे फिर वो लिख देगा पेपर में कि एज्यूम द डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू दिस मच। ठीक है सर तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसमें से एक बार छोटा सा लॉ और है उसको खत्म कर देता हूँ मैं, फिर क्लास एंड करते हैं। यस सर, वो 5 ही लिखा हुआ है, 7 नहीं लिखा कहाँ पर? सर। अभी मैंने देखा तो वो 5 ही लिखा था उधर भी। डाय के लिए सर सर ट्राई पॉलीएटॉमिक लीनियर सर कितना लिखा है पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए? फाइव सर 5। पॉली एटॉमिक लीनियर केमिस्ट्री में लिखा हुआ है या नेट पे देख रहे हो? सर अभी नेट पे देखा जस्ट। अच्छा ट्राई एटॉमिक डालना एक बार। सर वैसे 6 से ज्यादा तो ये डिग्री ऑफ रोटेशन फ्रीडम होनी नहीं चाहिए। उधर वो नहीं ऐसा नहीं है, 6 से ज्यादा सर नहीं है। लीनियर नॉन लीनियर जहां पर कुछ भी नहीं लिखा वहां पर सीधा 6 दे दिया है। अच्छा और और लीनियर जहां दोनों दे रखे हैं तो सर लीनियर में 5 और इसमें 6 है, 3N6 3N5 करके दिया हुआ सर। 3N5 और 6 पता नहीं, फिजिक्स में तो हम लोग 6 और 7 लेते हैं, और अगर आप वाइब्रेशन वाले देंगे तो वाइब्रेशन में ज्यादा आ जाएगी। इसकी टेबल भी बनी हुई है अगर आप देखोगे, उसमें जो है SC वर्मा देखोगे या रसनी खरेड़े में देखोगे तो टेबल बनी हुई है, तो उसमें उन्होंने हाई टेम्परेचर पे भी ली हुई है। अगर टेम्परेचर हाई करोगे यस सर, तो और बुक में 7 दिया हुआ है। कोई इतना लो उसमें देखो, ये जो केस आएगा ना तो उसमें वो डिफाइन कर देगा कि कितनी लेनी है या नहीं लेनी है। ऐसा केस नहीं आता, आपको जो केस आता है यूजुअली ये दोनों आते हैं मोनो और डाया। प्राइम वो बता देता है वो कितनी लेनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें टेंशन मत लो। ओके सर, एक छोटा सा लॉ है उसको भी खत्म कर देते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या समझ में आ रहा है इक्विपार्टीशन नाम से? तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी है ना? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हाँ तो ये लॉ ये बोलता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्वल एनर्जी उसके पास, मैंने हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी होती है। ठीक है, मैंने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होती है 1/2 KT होती है, और अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मॉलिक्यूल के पास तो 5 KT बाय सॉरी 5/2 KT होगी। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इक्वल एनर्जी एसोसिएटेड होती है, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² वो ½ KT के बराबर होगी, ऐसी ½ mvy² वो भी ½ KT के बराबर होगी। तो ये बोल रहा है कि पर उसके लिए इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम, यस, इन एनी सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं यहां से लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ेगी नहीं तो। इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम।
एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, इज 3/2 kT, वेयर k इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये आपका लॉ है ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो 3/2 kT है कि किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए. 3/2 kT लिख दिया, 1/2 kT, सॉरी नॉट 3/2, 1/2 kT. ओके, 1/2 kT होगी. ठीक है, तो अगर आपके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kT लोगे, 5 है तो 5/2 लोगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा तो 5 kT/2, और 3 होगा तो 3 kT. हाँ, अगर 3 होगा तो 3 kT/2 ले लेंगे. ये एक मॉलिक्यूल की बात है, और अगर एक मोल होगा तो 3/2 RT कर देंगे या 5/2 RT कर देंगे. तो सर इसको डायरेक्ट F/2 kT लिख देते हैं ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो डाल देंगे. यस सर, F/2 लिख सकते हैं बिल्कुल. डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो तो F/2 kT आ जाएगा. मैंने यहाँ पे लिखा भी था जब लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे. यस सर, वो क्वेश्चन में भी आया था. एक आया था ना, तो मैंने बोल दिया कि F/2 kT होगा, डिस्कस कर रहे थे जब. तो ये ऐसे होता है, आपको यूज याद करने में इजी रहता है. एफ से मल्टीप्लाई कर दो तो. ठीक है, दिस इज अवर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसका जब यूज करेंगे हम तो वहां से फिर हमारा आगे चीजें निकलेंगी. तो ये जो हमारी एनर्जी आ रही है किस पे डिपेंडेंट आ रही है, पूरे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आ रही है ना. जो हमारी एनर्जी है वो पूरी की पूरी किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे. तो जब मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तभी मेरी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी. अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं या बाकी चीजें बढ़ाऊं तो उससे मेरी एनर्जी में फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंट है. अगर वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाए तो बात अलग है, या घट जाए तो बात अलग है. लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं घट रहा तो फिर हमारी एनर्जी सेम रहेगी. क्लियर? यस सर. ओके, तो इसके अब जो है ना, यहाँ से हमारे मेन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो शुरू हो जाएगी. मैंने उसके जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे यहाँ से बनने शुरू हो जाएंगे. तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके क्या क्या वो बन सकते हैं. फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स के लिए यहाँ से बेस बन जाएगा आपको, क्योंकि जब इसका यूज आप करोगे आगे जो आपने अभी लिखा है सब कुछ, यहाँ से फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स का बेस बनता है. तो उसको फिर हम इसके बाद देखेंगे. ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स में मूव करते हैं. ठीक है सर? यस सर. कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, ये सब नहीं पढ़ना है क्या? हाँ, वो लास्ट में आएगा इसके चैप्टर. अच्छा सर. ओके सर, वो भी करेंगे. ठीक है, चलिए तो उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट ऑल. गुड नाइट सर. गुड नाइट दिवेश.